पुल हम लोग 1-1.5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये मेन पुल है, यहाँ से चार धाम यात्रा भी चलती है और जनता भी बार बार हम लोगों को आदेशित कर रही है कि इस पुल का जो है, इस पुल की मरम्मत होनी चाहिए। और अभी जो है, जब जनता का आक्रोश रहा और हम लोगों ने जब प्रेशर PWD पे बनाया, तो आज हमारे PWD के एक्शन भी यहाँ पर मौजूद हैं, एट द स्पॉट मौजूद हैं, हमारे SDM भी एट द स्पॉट मौजूद हैं। तो ये निर्णय यहाँ पर हुआ है, PWD ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वास्तव में ये जो है बहुत बड़ी खामियां हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विद्यमान है, पूरे देश में विद्यमान है, ये सरकार जो है 1.5 सालों से इन्होंने कोई भी पैसा PWD को, घनसाली को नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आज तय हुआ है कि ये बहुत बड़ी समस्या जो पैदा हुई है, इसका समाधान मैंने ये तय किया है, मैंने PWD के एक्शन को भी और उपजिलाधिकारी को भी कहा है कि हमने कहा भाई, इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता इतना बड़ा, हम लोग कैसा रोकेंगे, आवागमन कैसे रोक पाएंगे। तो मैंने कहा भाई, हमारी जो पौराणिक एक भिन्नता व्यवस्था होती थी जिसमें हम लोग घाट गदेरों को पार करते थे, वो पुराने इंजीनियर जो बेचारे बिना डिग्री के इंजीनियर थे, वो भिन्नता व्यवस्था बनाते थे। तो हमने PWD से कह दिया, SDM को कह दिया है कि जब 1-2 महीने बाद ये बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, उसके बाद नदी में पानी कम हो जाएगा, वो भिन्नता हम लोग लगाएंगे, आवागमन उस भिन्नता से होगा और इस पुल की मरम्मत होगी। PWD ने इस बात को स्वीकार कर दिया और हमने ये सुझाव PWD को दे दिया है। जनभावनाओं का सम्मान होगा। इसकी रिपेयरिंग के लिए हमने 1.65 लाख रुपए का आवेदन तैयार किया था और हमने शासन को सूचित किया है, उसमें धन आवंटन होते ही हम उसका रिपेयरिंग का काम तुरंत शुरू करवा देंगे। इसमें IIT के प्रोफेसर भी आए थे, उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया है और उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, वो हमने सभी सुझाव जो है आवेदन में सम्मिलित किए हुए हैं और धन आवंटन होते ही उसका रिपेयरिंग का काम शुरू करवा। रियासत में कई बार PWD से बात हुई है, मैं शुरू शुरू में आया था 3-4 महीने पहले, तब भी देखा था इसमें काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं इसमें, और आज एक ही गड्ढा लगभग 1 बाई 1 फुट का गड्ढा ही होगा, नीचे नदी दिखने लग गई है। PWD द्वारा इसमें पूरे आंगन भेजे गए हैं, प्रस्ताव भेजे गए हैं, इसमें दो समस्याएं आ रही है, एक तो आंगन स्वीकृत नहीं हुआ, पैसा नहीं प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरी अगर पैसा प्राप्त होता भी है तो इसमें मरम्मत के लिए हमारे पास कोई स्थानीय अल्टरनेट नहीं है। PWD का कहना है कि हमको कम से कम 2-3 महीना इसको रोकना पड़ेगा, तब इसकी मरम्मत हो पाएगी। तो अभी हम उसमें डिटेल बात करते हैं, रेल ब्रिज का हमारे पास ऑप्शन है और जब तक ये यातायात यहाँ बाधित हो रहा है, हम लोग उसको टेम्परेरी रूप से दोनों साइड एक एक पुलिस लगा दी गई है और एक एक गाड़ी इसमें निकलेगी और आज ही इसकी टेम्परेरी मरम्मत करके, यहाँ से गड्ढा हुआ है उसको स्टाफ आ गया है PWD का, मरम्मत करवाई जाएगी। फुल डैमेज की संभावना नहीं है इसमें। हाँ, जो ऊपर जो कंक्रीट लगा है उसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं और वो क्रैक्स के कारण छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए और वो बढ़ते जाएंगे, वो समस्या हो रही है कि ऊपर जो RCC है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। पुराना पुल है, पुराना मरम्मत काफ़ी टाइम से हुई नहीं होती है, तो पुल में उतनी दिक्कत नहीं है। जो हमारे ऊपर का RCC है वो क्रैक हो रही है, उसको हम समय समय पर मरम्मत करते रहेंगे और बरसात के बाद इसका निश्चित रूप से अस्थायी समाधान करना पड़ेगा।